बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ मैं, इस वक्त मैं लोलो मार्केट से लाइव हूँ। तो मैं बारह बनी मालक के जुमा टाइम के मनाजर है। वीडियो शायद आपके साथ मैं अभी हफ्ता वाले दिन या रात को शेयर कर चुका हूँ यार, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। जुमा वाले दिन फर्स्ट टाइम के मनाजर और सेकंड टाइम के मनाजर और तरीक हरमैन शरीफ हैं और तरीक सबाइन और इसके अलावा बनी मालक के जो कुबरी अलकबेक वगैरह, ये तमाम तर मैं यहाँ का विजिट कर रहा हूँ और साथ में एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चेकिंग वगैरह के मुतल। मैं ज़ाहिर सी बात है, इतना सफ़र कर रखा हूँ, आ जा रहा हूँ, तो कहीं चेकिंग लगी हुई है नहीं लगी हुई है या अभी के क्या हालात चल रहे हैं। अनलीगल बंदों को मुश्किल है, मैं फिर क्लियर कर दूं, लीगल रखें यही बेस्ट है। मैं दौलियत वगैरह की या चेकिंग वगैरह की जो भी मामला था वो वीडियोस में आपको लाइव व्यू दिखाता रहता हूं, लेकिन अगर कहीं मुझे मिली तो वो आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर। और इसके मतलब जो भी है यार सूरत आगे वीडियो में आपको लाइव दिखाता जाता हूँ। यौमुल जुमा जी, और यौमुल जुमा वाले दिन ही क़यामत आएगी, मैं आपको पहले भी ये बता दूँ। बहरहाल जी, ये जुमा वाले दिन के मनाजर हैं जी। मैं आपको, मैंने बोला वीडियो शेयर कर दूँ बनी मालक के जुमा वाले दिन के मनाजर। अच्छा, मार्केट तो बंद है लेकिन मैं पीछे एक सूडानी होटल है वहाँ से हम अभी खाना खा के आए हैं, सुबह का नाश्ता बोल रहे हैं। और गौर में हलवियात ये ओपन है जी और रश लगा हुआ है, बाकी मार्केट्स वगैरह तो बंद हैं। तो आगे मैं वीडियो में मुख्य वीडियो में ये दिखा भी चुका हूँ, यहाँ से होकर गुजरते हैं वो जो मेन चौक है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बोला था चौक, ये बात भी ठीक है, अभी वो तो लफ्ज़ गलत है। कुछ भाइयों ने कमेंट किया था भाई चौक क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। बात ये है कि चौक लफ्ज़ी है, लेकिन आपको पता है जी हम अक्सर पंजाबी ज़बान में तो फिर ऐसे ही बोल देते हैं। तो बहरहाल ये मेन चौक है जी, लाहौर गार्डन वगैरह एंड बर्ड फ्लू वगैरह। तो ये नीम का दरख्त जी, जिसके नीचे से आपको पता है पकड़िंग पकड़िंग होती है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि इंडोनेशियन लड़कियाँ रात को 5-7 बैठी हुई थी, अभी पता नहीं उनको भी सब पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। तो अभी मार्केट्स सक्कर हैं, इसकी रीज़न ये जुमा का पहला यानी कि जुमे से पहले का मनाजर हैं, जुमे के बाद ये ओपन होंगी और फुल रश होगा। मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो भी आपके साथ इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूं, यानी कि ये आपको फर्स्ट टाइम का मनाजर दिखा रहा हूं ना, सेकंड टाइम के जो मनाजर होंगे वो भी इसी वीडियो में आपको दिखा दूं। तो अभी के मैंने बोला आपको लाइव कुछ दिखा देता हूं मैं। बहुत से भाई मुझे कमेंट करते हैं, आप यकीन करें ऐसे कमेंट भी आते हैं कि मुझे खुद से ना, आप यकीन करें आदमी को जैसे आप यकीन करें अजीब सी फीलिंग होती है। कमेंट ही इस तरह के होते हैं कि भाई आज मैंने 10 साल बाद बनी मालक देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी एक भाई मुझे बार बार कमेंट करता है कि वो जो मैं जिधर इंजाज बैंक से आया उसके आगे से हमारी रहाइश थी यार, वो दिखा दो। तो इंशाल्लाह मैं बनी मालक एक कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगा जो कि तकरीबन 1 घंटे पर होगी। क्यों, बनी मालक आपको पता है कौन सा छोटा एरिया है, तो मैंने वो एक कम्प्लीटली आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये सूख मगर भी है जी, आपको पता है ये भी तमाम बंद है। अभी मैं आपको कुछ जुमा प्रेयर या उसके बाद के जो रश वाले मनाजर होंगे वो भी इसी वीडियो के साथ, यानी कि आगे आपको वो दिखाता हूँ। ये अलबेक ब्रोस्ट है जी, जो कुबरी फसिन के नीचे आप हो रहे हैं यानी कि सबाइन, ठीक है। मैं आपको ये अलबेक के बाहर रश देख लें, आप इस टाइम भी ये लाइन देख लें कितनी बड़ी लगी हुई है। तो जा रहे हैं जी खतसरी लोलो मार्केट में, आपको कुछ लाइव व्यू आपको दिखा दूँ यहाँ से, यानी कि आपको खतसरी के ऊपर से सीधा लोलो मार्केट तक के। तो बनी मालक से निकले हैं अभी, मैं आपको इंशाल्लाह आगे टोटल दिखाता जाऊंगा। टैक्सी में भी है तो आगे देखते जाते हैं जी। अच्छा, जो पीछे मोया तखलिया वाला रोड है, यानी कि ये जैसे ये है सीधा फलस्तीन रोड और वादी ब्रिज की तरफ जाता है, तो इसी दूसरी तरफ है जी बिल्कुल, वो तरीक तखलिया है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा हैपर पांडा और उसके अलावा आपको सूख हरम भी उसी के ऊपर मिल जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं खतसरी के ऊपर, जो कि जो जहाँ पर, हाँ वहीं पर है जी ट्रेन का जो ट्रैक है, तो यानी कि रेलगाड़ी गुजरती है दोनों रोड्स के दरमियान से, वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी खतसरी से घूम गए हैं जी और अभी जाएंगे दोबारा से सवाइन के ऊपर। तो मैं बहरहाल जिधर से भी जा रखे हैं रास्ते में जो भी व्यू आएंगे आपको दिखाता जाऊंगा। सिर्फ क्या है कि अगर रास्ते में कुछ चेकिंग मिलती है नहीं मिलती है, जो चेकिंग की सूरत हाल है इस वक्त की क्या चल रही है, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा।
ये तरीक हरमेन है जी, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये जो कुपरी दिखाई दे रखी है ये बेसिकली रेलगाड़ी का ट्रैक है। अच्छा मैं जाऊंगा ना तो आपको ये एक से कुपरी है क्योंकि आगे वो कुपरी है उसके ऊपर से गुजरती है, इसके नीचे से रोड गुजर रहे हैं तो आगे जाएंगे, आगे ये ट्रैक में वो भी आपको जी। तो ये खतसरी से हम होंगे अभी हयल मरवा एंड हयल सफा, दो एरियाज हैं यहाँ पर और हम जाएंगे वो लोडो मार्केट पे, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी तो इस कुबरी से यूटर्न लेंगे और नीचे उतरेंगे। तो ये है जी लोलो मार्केट हयल मरवा में, ठीक है। इसी तरीके हरमेन के ऊपर दो लोलो मार्केट हैं, एक ये है एक दूसरी तरफ आती है। तो बहरहाल दूसरा इंशाल्लाह मैं यहाँ से जब निकलूँगा तो उस टाइम जाएंगे हम सबइन के ऊपर, तो वहाँ के आपको हालात भी दिखाऊँगा। चलो भाई साबेल, अभी मैं दाखिल हो जाऊँगा जी लोलो मार्केट में और ये है कि इसके बाद इंशाल्लाह फिर जाएंगे दूसरी तरफ यानी कि सबइन की तरफ, तो वो आपको वहाँ के लाइव दिखाऊँगा। जी तो अभी रात हो चुकी है जी मरकज़ ताबा, वो पीछे कारफोर से मैं निकला हूँ, देख लेंगे आप। लोलो वगैरह से मैंने कुछ शॉपिंग की है मरकज़ ताबा, ये साथ में सबइन चल रही है, मैं सबइन के ऊपर जाता हूँ आपको सबइन से लाइव कुछ व्यू दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद आगे इंशाल्लाह सामने जो सबइन के फ़लस्तीन वाली कुबरी है, बनी मालक वाली कुबरी भी उसे बोला जाता है, अलबेक बनी मालक वाली कुबरी जिसके नीचे अलबेक है वो भी आपको वहाँ से भी दिखा दूँगा, उसके बाद बनी मालक में जाऊँगा मैं तो बनी। अच्छा मैं टैक्सी में था जब लोलो पहुँचा, उसके बाद टैक्सी से एक्स्ट्रा स्टोर पहुँचा, उसके बाद टैक्सी से ही कारफोर पहुँचा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से सामने है जी वो तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा सफ़र, तो पैदल ही चलते हैं। मैंने बोला ये सामान है कुछ पास, इतना ज़्यादा वजन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, मैंने बोला पैदल जाते हैं तो जा रहा हूँ पैदल। बाकी अलबेक एंड आगे बनी मालक में जब जाऊँगा, बनी मालक के आपको व्यू दिखाऊँगा रात टाइम के। तो ये कम्प्लीटली वीडियो आपके साथ सिर्फ शेयर करने का मकसद ये था कि आपको लाइव कुछ मैं दिखा दूँ, कुछ भाई जो दूसरों के कहनों के ऊपर भी घरों में अभी बैठे हुए हैं, ये जाते हैं बहुत डर रहे हैं, हालांकि हैं लीगल तो उनके लिए, जो तो ज़ाहरी सी बात है जिनके कागजात वगैरह क्लियर नहीं हैं या बदून कफील हैं या इकामा एक्सपायर है तो उनके लिए तो मुश्किल भाई फिर हर टाइम ही रहती है। पर आगे भी वो आपको और दिखाऊंगा जी। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं, देख लें जी सामने अलबेक है, ठीक है। और ये मेन जगह है ये वाली, यहाँ पर अक्सर तफ्तीश लग जाती है उस तरफ, इस तरफ या इस तरफ या सामने, ठीक है। तो आपको ये भी दिखा रहा हूँ मैं, अभी मैं अलबेक की तरफ जा रहा हूँ तो अलबेक की वीडियो ज़्यादा से शेयर करूँगा। मेरी एक दोस्त आ रहा है जी, वो बोल रहा है अलबेक पर आ जाओ, उधर से अलबेक ही खाते हैं। मैंने बोला चल तू पहुँच, मैं भी आ रहा हूँ।